On the complex plane, locus of point z satisfying the inequality 2 is less than equals to modulus of z minus 1 is less than 3 denotes. ठीक है, तो बेसिकली अगर अपने यहाँ पे देखिए तो अपने को बताना है कि z पॉइंट जो है वो कॉम्प्लेक्स प्लेन में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बोलूँ z माइनस z1 z माइनस z नॉट का मॉड इज इक्वल्स टू अगर r गिवन हो तो ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, ये एक यहाँ पे जो z रिप्रेजेंट करता है, z रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे एक सर्कल को. ठीक है, और उस सर्कल के लिए अगर मैं सेंटर की बात करूँ तो इस सर्कल का सेंटर, सर्कल के लिए दो करेक्टरिस्टिक पॉइंट्स होते हैं, इसके लिए एक सेंटर होता है, सेंटर यहाँ पे क्या है जेड नॉट, और अगर अपन इसके रेडियस की बात करें तो रेडियस वो क्या होता है आर. ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पे क्या मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इजकल्स आर जो है वो सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, जेड जो है पॉइंट जेड जो होगा वो सर्कल पर रिप्रेजेंट करेगा, और सर्कल का सेंटर क्या है जेड नॉट और रेडियस क्या है आर. ठीक है, तो अब जो गिवन इनइक्वालिटी है उसको अगर अपन देखें तो अपने पास जो गिवन इनइक्वालिटी है वो है जेड माइनस वन का मॉड जो है ये क्या है लेस देन थ्री बट ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू. ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली अगर अपन देखें तो इस दोनों इनइक्वालिटी को अगर मैं यहाँ पे ब्रेक करूँ तो जेड माइनस वन का मॉड क्या है यहाँ पे ये क्या है लेस देन थ्री, और यहाँ पे अगर अपन इसकी वैल्यू देखें तो जेड माइनस वन का मॉड जो है वो क्या है ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू. तो बेसिकली अगर अपन देखें तो यहाँ पे जो पॉइंट जेड है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनर रीजन ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर 1.0 एंड रेडियस 3. ठीक है, तो यहाँ पर अगर अपन जेड के लिए लोकस बताएं तो जेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इनर रीजन ये इक्वल्स टू होता है तो रिप्रेजेंट करता है कि जेड उस सर्कल के सर्कमफेरेंस पे है, और ग्रेटर देन होता है तो मतलब सर्कल के आउटर रीजन के पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है, बट अगर यहाँ पे लेस देन है तो मतलब जेड की जो जेड माइनस वन का जो मॉड वैल्यू है वो 3 से लेस होगा. अगर 3 से लेस होगा तो मतलब सर्कल के अंदर वाले पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है, तो रिप्रेजेंट इनर रीजन ऑफ सर्कल सेंटर्ड एट 1.0 एंड रेडियस इजकल्स टू 3. ठीक है, तो यहाँ पे जेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इनर रीजन ऑफ सर्कल जिसका सेंटर क्या है 1.0 और रेडियस क्या है 3 यूनिट. ठीक है, और यहाँ से अगर अपन इस इनइक्वालिटी को देखें जेड माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू. ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली अगर अपन देखें तो यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अपने पास एक सर्कल है. ठीक है, इसका सेंटर क्या है 1.0 और इसका रेडियस क्या है 2 यूनिट और इससे ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कल के आउटर रीजन को. ठीक है, यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है जेड जो है जेड रिप्रेजेंट कर रहा है जेड के लिए अगर अपन यहाँ पर ये पॉइंट लिखें तो ये क्या कर रहा है रिप्रेजेंट बाउंड्री एज वेल एज आउटर रीजन ऑफ सर्कल सेंटर्ड एट 1.0 एंड रेडियस इजकल्स टू 2 यूनिट. ठीक है, तो अगर अपन देखें तो दोनों सर्कल का सेंटर जो है वो क्या है 1.0, तो सर्कल क्या होगा कंसेंट्रिक हो गया. तो एक जेड जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है 3 सेंटीमीटर यूनिट वाले रेडियस के लिए इनर पार्ट और 2 यूनिट वाले रेडियस का आउटर पार्ट. तो अब अगर अपन आंसर देखें तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए, तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पर रेडियस 3 और 1 बता रखा. ऑप्शन 2 देखें तो रीजन बिटवीन द कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 3 यूनिट एंड 2 यूनिट सेंटर्ड एट 1.0 एक्सक्लूडिंग द इनर एंड आउटर बाउंड्रीज. ठीक है, और ऑप्शन सी देखिए तो ये बोला इंक्लूडिंग द इनर एंड आउटर बाउंड्रीज, ये तो इनकरेक्ट है. ऑप्शन ए इनकरेक्ट, सी भी इनकरेक्ट है. रीजन बिटवीन कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 3 एंड 2 सेंटर्ड एट 1.0 इंक्लूडिंग द इनर बाउंड्री, ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि अपने को इनर बाउंड्री को एक्सक्लूड करना है. तो अपना ऑप्शन क्या होगा बी. और अगर मैं यहाँ पे इसके लिए डायग्राम रिप्रेजेंट करके दिखाऊं तो डायग्राम कुछ इस तरीके से आएगा. कंसेंट्रिक सर्कल होगा अपने पास, तो बेसिकली लोकस जो होगा ये जो यहाँ पे मैंने शेडेड पार्ट बनाया है. ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कल रेडियस 2 यूनिट और ये क्या है रेडियस 3 यूनिट, तो ये जो मैंने शेडेड पोर्शन बताया ये यहाँ पे इसका लोकस रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, ये यहाँ पे लोकस रिप्रेजेंट करेगा, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर.